बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने बीते 25 अप्रैल को घोषणा की थी कि वे दिल्ली वासियों को मुफ्त में कोरोना की दवा फेविफ्लू और ऑक्सीजन सिलेंडर बांटेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको लेकर सवाल पूछा है। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूछा कि क्या गौतम गंभीर कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवाएं बड़ी मात्रा में खरीदने और उन्हें लोगों के बीच बांटने में सक्षम है। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने सवाल किया कि कैसे किसी व्यक्ति को इस तरह की दवा बांटने की अनुमति दी जा सकती है, क्या उन्हें इसके लिए लाइसेंस मिला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह भी पूछा है कि क्या बीजेपी सांसद जिन दवाओं को बांटने की बात कर रहे हैं उसके लिए डॉक्टरों की सलाह ली गई है। यह कैसे संभव है कि एक व्यक्ति पहले इतनी बड़ी मात्रा में कोरोना की दवा खरीदे और उसका वितरण करे। जजों की बेंच ने हैरानी जताते हुए कहा है कि अदालत को उम्मीद थी कि यह बंद हो गया होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है अभी भी। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ऐलान किया था कि वह अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को कोरोना की दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में बांटेंगे। उन्होंने कहा था कि कोई भी जरूरतमंद उनके दफ्तर 22 पूसा रोड और संसद कार्यालय जागृति एनक्लेव पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच ये दवाएं ले सकता है। इसके लिए डॉक्टर की पर्ची और आधार कार्ड दिखाना होगा। वहीं इसको लेकर दिल्ली के वकील राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट में कहा है कि भाजपा नेता गौतम गंभीर ईस्ट दिल्ली के फेविफ्लू मुफ्त में बांट रहे हैं। सवाल उठाया गया है कि जब ये दवाइयां रेगुलेटेड नहीं हैं तो कैसे कोई ऐसा कर सकता है। किसी को तो ज़रूरी दवाएं नहीं मिल रही हैं, कोई मुफ्त में बांट रहा है। भले ही उसने सही काम किया, लेकिन क्या यह तरीका सही है। सीएम केजरीवाल पर लगातार हमला बोल रहे गंभीर भाजपा सांसद दिल्ली के कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इस बीच उन्होंने ट्वीट किया, न बेड है, न एम्बुलेंस है, न ऑक्सीजन प्लांट है, न टैंकर है, लेकिन टीवी पर मुख्यमंत्री बरकरार है। इससे पहले गंभीर ने कहा था कि 8 ऑक्सीजन प्लांट आपको लगाने थे, जिसमें से एक ही लगा है, उसका क्या हुआ। हाथ तो आपने पिछले साल भी पीछे कर लिया था, इस साल भी कर रहे हैं और अगले साल भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि अभी भी मुख्यमंत्री के विज्ञापन चल रहे हैं, इस समय उसी पेशे से लोगों की सेवा करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री को तो शर्म आएगी नहीं, उन्हें तो विज्ञापन पर विज्ञापन दिए जाने हैं, हर 2 मिनट पर विज्ञापन दिए जा रहे हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SBN 9 न्यूज़ के साथ।